अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला सुनाने वाला है। फैसले की घड़ी नजदीक आने के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अंदर खाने इसकी तैयारी तेज कर दी है। आरएसएस ने समाज की शांति बनी रहे इसके लिए देश के कई प्रमुख मुस्लिम संस्थानों से जुड़े मुस्लिम धर्म गुरुओं, सामाजिक संगठन और नेता और मुस्लिम समुदाय से जुड़े प्रमुख शिक्षण संस्थानों से बातचीत की है। इस दौरान आम सहमति से यह निर्णय लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट कोई भी निर्णय ले ले पर सामाजिक माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। बैठक में सभी पक्षकारों ने सहमति जताई है कि कोर्ट के आदेश को सब लोग मानेंगे और समाज में सभी लोग जागरूकता फैलाएंगे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है, सुप्रीम कोर्ट में बहस हो चुकी है, जल्द ही निर्णय आने वाला है। इसके लिए हमने मुस्लिम समाज के सभी बड़े लोगों को बुलाकर बात की है। इस फैसले से न किसी की हार होगी और न ही किसी की जीत। सब लोग मिलजुल कर फैसले का स्वागत करेंगे और सामाजिक सौहार्द को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। फैसला आने के बाद कोई भी गड़बड़ी ना हो, इसलिए प्रशासन ने कई बड़े फैसले लिए हैं। अयोध्या में किसी भी तरह की सार्वजनिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम, धार्मिक सामाजिक रैलियां, वॉल पेंटिंग, जलसे और जल्लूस पर रोक रहेगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के हथियार, चाहे वो लाइसेंस हथियार ही क्यों ना हो, लेकर अयोध्या में नहीं चल सकता। पूरे जिले में 144 धारा लागू कर दी गई है और अगर जो कोई भी व्यक्ति 144 धारा का उल्लंघन करता पाया गया तो उस पर IPC के 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं मीडिया के लिए भी एक सर्कुलर जारी किया गया है, बिना अनुमति के डिबेट आयोजित नहीं की जा सकेगी। वहीं जनता को एकजुट कर बातचीत नहीं की जा सकेगी। अगर जो कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है उसको छेड़ा नहीं जाएगा। मीडिया अपना काम करेगी पर कोई डिबेट नहीं कर सकती। वहीं व्हाट्सएप, फेसबुक और मैसेंजर पर आने वाले मैसेज पर प्रशासन की पैनी नज़र रहेगी। तो ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि आप भी ध्यान रखें, अगर ऐसा कोई मैसेज आता है तो उसको तुरंत डिलीट कर दें, ना कि उसको आगे शेयर करने की कोशिश करें। अगर जो आप ऐसा करेंगे तो फंस जाएंगे। ये खबर आपको कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।